बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं किडनी प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहले मेजर हमारे दिन में जो बात आती है, जो कि मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ द किडनी स्टोन। हम जो है वो किडनी स्टोन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये जो है एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। और याद रखें, ये जो किडनी स्टोन है, ये डिपेंड करती है एक तो आपकी डाइट पे, किडनी स्टोन जो है डाइट एंड एज वेल एज मेटाबॉलिज्म के अंदर, मेटाबॉलिज्म पे भी ये डिपेंड करती है। सो आप कहते हैं कि एक दफ़ा किडनी स्टोन जो है वो रिमूव करवाए हैं, उसके बाद जो है वो हमने डाइट का भी ख़ास ख्याल रखा है, लेकिन उसके बावजूद किडनी स्टोन दोबारा बन रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, किडनी स्टोन जो है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं। अब देखते हैं किडनी स्टोन एक्चुअली है क्या। तो आप कहते हैं कि किडनी के अंदर अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, पत्थरी जिसको आप बोलते हैं, स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाता है? किडनी स्टोन कहलाता है। किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? किडनी स्टोन जो है वो यूरिन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि यूरिन को पास आउट होने नहीं देता, वो यूरिटर्स के अंदर आ जाता है या फिर रिनल पेल्विस के अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है, ख़ास पोर्शन जो है वो किडनी का, वो यूरिन को जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचने में रुकावट देता है। तो अब आप कहते हैं ये जो किडनी स्टोन है, इसकी मतलब क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? तो आप कहते हैं कि सबसे पहले आप आंसर देंगे, दैट इज़ द हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल राइज कर जाए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? हाइपरकैल्सीमिया कहलाता है। हाइपरकैल्सीमिया की दो वजूहात हो सकती हैं। एक, या तो आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम का इनटेक कर रहे हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मतलब को उसको मद्देनज़र नहीं रखते हुए आप हर टाइम कैल्शियम के सैशे पी रहे हैं, या फिर आप कहते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी है, खुद मेडिकेशन कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, उसमें आप क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन कैल्शियम की गोलियों का इंटेक कर रहे हैं, तो अब आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो राइज कर जाएगा। एक दूसरा ये है, एक होता है पैराथार्मोन, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये पैराथायराइड का है एक्चुअली हार्मोन। ये क्या करता है, ये हड्डियों से कैल्शियम को दोबारा ब्लड के अंदर जो है, अगर कहीं पे पैराथायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, पैराथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, जो हड्डियों से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड के अंदर जो है वो डालना शुरू कर देगा। इस तरह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है हाइपर ऑक्सलूरिया, यानी कि ऑक्सलेट की जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ऑक्सलेट बॉडी में ज़्यादा कैसे होगा? आप कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको खाने से, या फिर टोमेटो को खाने से जो है वो ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सलेट जो होता है ये एक्चुअली वेस्ट मटेरियल होता है जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में टोमेटो के अंदर या ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स उनमें स्टोर कर दिया जाता है। तो ऑक्सलेट का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाए, या फिर आप कहते हैं कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, वो अल्टीमेटली किधर लेकर जाएगा, स्टोन फॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स के स्टोन हैं और उनकी केमिकल नेचर्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टोन है, उसमें हम कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं इसकी केमिकल नेचर क्या है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी वो होगी कैल्शियम ऑक्सलेट की, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों मिलते हैं, मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्टोन बनाएंगे जिसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। और इसकी जो है वो तकरीबन ये 70% जो होगा उसमें उसकी प्रोपोर्शन जो है वो ये होगी कैल्शियम और ऑक्सलेट की। फिर इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलकर भी स्टोन बनाने में मदद देता है, तो ये कितने परसेंट इसके चांसेज होते हैं, 15%। एंड एज वेल एज यूरिक एसिड, याद रखें जो भी यूरिक एसिड की कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, लाइक ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा है, लाइक ज़्यादातर आप मीट को पसंद करते हैं लोग, या फिर चिकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इन्हांस कर जाता है। और यूरिक एसिड के लेवल के इन्हांसमेंट से क्या होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उनमें से एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आपके पास कौन सा होता है, किडनी स्टोन। तो इसके 10% चांसेस होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि उस पूरे स्टोन में 10% ये भी शामिल है, और बाकी 5% जो है वो टोटल, ये 85 और 10 95 होगा, और बाकी 5% अदर फैक्टर्स होते हैं।
अब दूसरा हमारे पास है, ये तो हमने पढ़ ली, इसकी टाइप्स पढ़ ली कि कैल्शियम ऑक्सलेट भी उसके अंदर होगा, केमिकल नेचर है उसकी, एंड कैल्शियम फॉस्फेट भी होगा एज वेल एज यूरिक एसिड भी होगा। अब मेथड्स क्या हैं स्टोन को रिमूव करने के? एक तो याद रखें, हम जहाँ पे भी देखते हैं कि हम कहते हैं कि अगर स्टोन जो है वो साइज में लार्ज हो, अगर लार्ज स्टोन हो मतलब कि सेंटीमीटर्स के अंदर आ जाए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से बड़ा हो स्टोन, तो अब उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्जरी करनी पड़ती है, ओपन रिडक्शन करनी पड़ती है। आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बॉडी के अंदर से, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करके उस जो आपके पास स्टोन है उसको वहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरा आपके पास है विदाउट सर्जरी, अगर तो इतना ज़्यादा स्टोन बड़ा नहीं है, तो आप फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो विदाउट ऑपरेशन या विदाउट सर्जरी जो है वो स्टोन को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आजकल लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है लिथोट्रिप्सी। आप हॉस्पिटल्स के बाहर देखते हैं कि बगैर ऑपरेशन जो है वो पथरी निकलवाएं, तो वो कैसे होता है, वो इसी तरह से लिथोट्रिप्सी की मदद से होता है। लिथ का मतलब होता है एक्चुअली पत्थर, तो ट्रिप्सी ये टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं एक्स रेज या अल्ट्रासाउंड रेज को यूज़ करते हैं, यूज़ करके आप क्या करते हैं, क्या करेंगे जो स्टोन है उसको ब्रेक कर देंगे। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, आप कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स डाली जाती हैं, जिनका जो बेसिकली क्या होती हैं एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड। तो ये कौन सी हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स, ये बॉडी के जो हैं वो बाहर जनरेट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, और मशीन के साथ ये क्या किया जाता है, किडनी में पड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल ये किडनी है, ये किडनी है और ये स्टोन पड़ा हुआ है, तो इस पर जो है इस पर पहले इसको क्या किया जाता है, एम किया जाता है, क्योंकि ये प्लस का निशान बनाता है जैसे आप गन के अंदर देखते हैं, तो इस एम की मदद से आप क्या करते हैं इस पर कंटिन्यूसली बम्बार्डमेंट करते हैं रेज की, जिसके रिजल्ट में क्या होता है इसके अंदर एजिटेशन जो है वो बनती है। एजिटेशन की वजह से, चूंकि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ये इसके अंदर क्या करते हैं इसकी तोड़ फोड़ करते हैं, इसको बारीक बारीक कंकर्स की फॉर्म में, या आप कह सकते हैं बारीक बारीक जो है वो छोटे छोटे जो है वो रेत की फॉर्म में सैंड बना देंगे इससे। फिर ये क्या होता है, चूँकि इसका साइज छोटा होता है तो इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी को यूज़ करते हुए, यानी कि आप वाटर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेंगे जिससे ये क्या होगा बॉडी से बाहर आ जाएगा, किडनी से बाहर आ जाएगा। चूंकि अब इसका साइज़ क्या है छोटा है, तो ये यूरिनरी ट्रैक से आसानी से जो है वो निकल सकता है। तो इसके लिए आप कौन सी वेव यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स, ये एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी हमारे पास क्या है, रीनल फेलियर जो कॉमन है इसके बाद स्टोन के बाद। अगर स्टोन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन में भी लीड कर जाए कि आपका रीनल जो है वो किडनी जो है वो फेलियर कर दे। अब उसके बाद या फिर क्या होता है कि सम पैथोजिन, कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस भी होते हैं, या फिर आप कोई ऐसी मेडिकल ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके किडनी को जो है वो आहिस्ता डे बाय डे, स्टीराइडल मेडिसन्स होती हैं ऐसी समथिंग, तो वो डे बाय डे क्या होते हैं किडनी फेलियर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है किडनी फेलियर के अंदर, स्पेशली जो आपके पास है ग्लोमेरुलर पार्ट जो है, जिसका काम क्या होता है, ग्लोमेरुलर पार्ट का पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। तो ये पार्ट जो है बेसिकली नेफ्रॉन का जो है वो डे बाय डे या स्लोली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, तो ब्लड से अमोनिया और यूरिया का जो लेवल है वो इन्हांस होता जाता है, वो ब्लड से रिमूव नहीं कर सकता किडनी, जिससे क्या होता है रीनल फेलियर हो जाता है। तो याद रख लें, रीनल फेलियर में क्या होता है कि ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही होती, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट में क्या होता है किडनी आहिस्ता आहिस्ता से फेल हो जाता है। फिर हमारे पास जो है वो रीनल फेलियर की दो टाइप्स हैं, एक है क्रोनिक रीनल फेलियर और दूसरा है यूरिमिया। क्रोनिक में फिर भी जो है वो स्मॉल अमाउंट में, आप कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट में, वेरी नेग्लिजिबल वैसे तो है, ये जो क्या कर रहा होता है फिल्ट्रेशन करता है, बट वो नेग्लिजिबल होती है, उतनी फिल्ट्रेशन से बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आप कहते हैं कि ये नियर टू जो है वो
डैमेज हो चुका है, फुल टाइम डैमेज हो चुका है। इसके अंदर क्रोनिक रीनल फेलियर जो है, इसमें भी जो है जो किडनी होता है दे नेवर फिल्टर ब्लड, ये ब्लड को उस तरह से फिल्टर नहीं कर सकता या फुली फिल्टर जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ब्लड के अंदर यूरिया प्लस अमोनिया का जो लेवल है वो क्या कर जाएगा, हाई कर जाएगा, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, एडिमा होता है। एडिमा के बाद जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट से जो है वो बॉडी को क्लीन करवाया जाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। तो डायलिसिस जो है ये आपके पास दो तरह का है, एक है हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, तो आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लीन किया जाता है। और इसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक मशीन होती है, मैं बिल्कुल इसकी सादा सा जो डायग्राम है वो बनाऊंगा, कोई लंबी चौड़ी डायग्राम नहीं बना रहा मैं, एक बिल्कुल सादा सी डायग्राम है, जिसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास ये एक मशीन है जिसको आर्टिफिशियल किडनी का नाम दे दिया गया है। इसके दो पोर्शन होते हैं ऐसे, ये जो दो पोर्शन हैं इनको किसने सेपरेट किया हुआ है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ये जो होती है इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, एक तरफ से फॉर एग्जांपल एक तरफ से क्या होता है, डायलाइजर फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है जिसने काम क्या करना होता है, ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करनी होती है। जो डायलाइसिस फ्लूइड है उसको एक तरफ से डाला जाता है और इसकी दूसरी तरफ से क्या होता है, ब्लड को एंटर किया जाता है। यहां से जो है वो ब्लड एंटर हो रहा है और इधर से क्या है, डायलाइजर फ्लूइड। अब डायलाइजर फ्लूइड जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा होता क्या है कि जब ये जो ब्लड है, एक्चुअली इसके अंदर क्या चीज़ होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है। तो जब ये ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आते आते ये ब्लड जो है वो प्यूरीफाई हो जाएगा, आप कहते हैं फ्री फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा। अब इस प्यूरीफाई ब्लड को अगेन जो है वो बॉडी को दे दिया जाता है और इसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस में चली जाती हैं, डायलाइजर फ्लूइड के अंदर जो है वो चली जाती हैं। और यहाँ पर जो ये डायलाइजर फ्लूइड होता है, अब इसके पास क्या होती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अब देखें ऐसा ही कुछ आपने क्या किया था, नेफ्रॉन के अंदर पड़ा था, एक्चुअली ये जो अपोजिट फ्लो होता है टू लिक्विड का, ये यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर देता है, इसकी यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने की, तो ये मल्टीप्लाई कर देता, दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो इसके अंदर भी बेसिकली नेफ्रॉन वाला ही प्रोसेस यूज़ किया है, सेमी परमीएबल यूज़ किया है, जो कि नेफ्रॉन के अंदर ऑलरेडी आपने पढ़ी थी ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वो भी जो है एक मेम्ब्रेन ही होती है जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर देखें ये फिल्ट्रेशन हो रही है थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सादी सी इसकी जो है ना वो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है। तो एक तरफ से फ्लूइड जा रहा है, एक तरफ से ब्लड जा रहा है और दूसरी तरफ से नीचे फ्लूइड आ रहा है, इन दोनों का जो फ्लो है वो अपोजिट है, जिससे क्या होगा, बहुत थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है हो जाती है। तो इस मशीन को आप नाम देते हैं आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं, ये आपके पास आर्टिफिशियल किडनी का, या आप इसको दूसरा नाम देते हैं डायलाइजर मशीन का नाम देते हैं, डायलाइजर मशीन, और जिसमें जो फ्लूइड यूज हुआ है वो आपके पास कौन सा होता है, डायलाइसिस फ्लूइड होता है। अब इसके बाद जो है
दूसरी हमारे पास कौन सी है, वो है पेरिटोनियल, पेरिटोनियल डायलिसिस। एक हीमोडायलिसिस था और दूसरा हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है। इसमें अब क्या होता है, पेरिटोनियम एक कैविटी होती है जिसमें जो हमारी एब्डोमिन, एब्डोमिन के अंदर पेरिटोनियम कैविटी होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरी लफ्जों में आपको बताता हूं कि ये एब्डोमिन के अंदर जो कैविटी है जहां पर हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, वाइटल ऑर्गन के अलावा जहां जहां पर भी कैविटी होगी वो आपके पास एब्डोमिन के अंदर क्या कहलाएगी, पेरिटोनियम कैविटी कहलाएगी। और जो पेरिटोनियम कैविटी है ना, इसमें थिन एपिथीलियम होती है, तो आप कहते हैं थिन एपिथीलियम, यानी कि एक वन लेयर सेल जो है थिक एपिथीलियम इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिन है, ये एब्डोमिनल रीजन है, और ये उसके अंदर एब्डोमिनल रीजन के अंदर ये वाइटल ऑर्गन, और ये बाकी जो है ये सारी क्या है, पेरिटोनियम कैविटी है। अब इस पेरिटोनियम कैविटी को एक ट्यूब की मदद से, इसके अंदर एक ट्यूब है, इसकी मदद से इसके अंदर क्या किया जाता है, डायलाइजर फ्लूइड डाला जाता है। अब इस ट्यूब को आगे फिर इस तरह से दो ट्यूब्स की मदद से इसको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक कंट्रोल, यहाँ पर एक कंट्रोल स्क्रू लगा होता है और यहाँ पर एक कंट्रोल स्क्रू लगा होता है। इस ऊपर वाले पाइप के थ्रू आप क्या करते हैं, इसके अंदर डायलाइजर फ्लूइड डालेंगे, डायलाइजर फ्लूइड इसके अंदर डाल देंगे। अब ये जो डायलाइसिस फ्लूइड है ये क्या करता है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर चला जाता है, और चूंकि ये थिन एपिथीलियम है तो वहाँ से क्या होगा, ब्लड से डायरेक्टली जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन जज़ब कर लेगा, ये जो डायलाइजर फ्लूइड है ये क्या कर लेगा, इसको जज़ब कर लेगा। और आफ्टर फ्यू आवर्स हम क्या करते हैं, हम इस नट को ओपन करते हैं, स्क्रू को ओपन करते हैं, और नीचे जो होता है वो बैग होता है, इस बैग के अंदर जो है वो दोबारा से जो डायलाइजर फ्लूइड है उस बैग के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये जो डायलाइजर फ्लूइड होता है इसके पास कौन सी चीज़ होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस था पेरिटोनियल डायलिसिस का, इसके अंदर ये जो स्पेसिफिक पाइप यूज़ किया गया इसको हम बोलते हैं कैथेटर, इसको हम क्या बोलेंगे, कैथेटर। और कैथेटर की मदद से हम डायलाइसिस फ्लूइड को एंटर भी करते हैं और बाद में निकाल भी लेते हैं। अब ये क्या होता है कि ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ड्रिल आप इसको जो है वो पाइप को अंदर इंसर्ट करते हैं, और फिर ये पाइप जो है वो बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके बरक्स जो हीमोडायलिसिस है ये पहले वक्तों में किया जाता, अब ये जो है ये क्या है, लेटेस्ट है। तो हीमोडायलिसिस जो है ये लेटेस्ट है। अब इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है, अगर ये डिपेंड करता है कि किडनी कितना, किडनी फेलियर जो है वो कितनी है, अगर तो 30% फेल हो चुका है किडनी का पोर्शन, 40% 50% ये इस पे डिपेंड कर रहा हूँ। अगर तो फुली किडनी फेल है तो आपको अगेन एंड अगेन मतलब जो है वो हीमोडायलिसिस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो सम टाइम आप कह सकते हैं कि वन टाइम पर वीक, और सम टाइम आप कह सकते हैं डे बाई डे के रोज़ाना की रोज़ाना बेस पे भी आपको क्या करना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है, ये डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बट ये जो है प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होता है, अल्टीमेट रिज़ल्ट हम देखते हैं वो है कि अगर किडनी फेल हो जाए कम्प्लीटली, उसको हमने क्या नाम दिया था, यूरीमिया का नाम दिया था। दूसरा जो है वो क्या है, यूरीमिया। अब यूरीमिया क्या है, हम इसको बोलते हैं एंड स्टेज, बिल्कुल एंड पे है किडनी, अब इसका कोई हल नहीं है, डायलिसिस जो है वो करवा के बहुत एक्सपेंसिव है, इंसान थक जाता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। फिर हम क्या करते हैं, तो हमें इसके रिजल्ट में एंड स्टेज पे जब बिल्कुल किडनी ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो क्योर होता है वो एक ही होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी को निकाल के दूसरा किडनी लगाना पड़ता है, या समटाइम क्या होता है कि किडनी निकाला नहीं जाता बल्कि उसके साथ ही एडजस्ट कर दिया जाता है, मोस्टली ऐसे ही होता है, थर्ड किडनी जो है वो
बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, पहले दोनों अपनी जगह पर मेंटेन रहते हैं। अब ये चीज़ क्या कहलाती है? किडनी ट्रांसप्लांट कहलाती है। किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से, जिस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स, ब्लड जो है वो मैच करना ज़रूरी होता है, इसी तरह बॉडी के अंदर टिश्यू मैच जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो टिश्यू मैचिंग होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। अब टिश्यू मैच करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी जो हमारी होती है इसका काम क्या होता है, ये देखती है कि बाहर से आने वाली चीज़ अगर कोई है तो उसको वो आसानी से क्या करना शुरू कर देती है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो याद रखें जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये तो या तो फिर आपका जो फर्स्ट रिलेशन होता है ब्लड का, अगर उसके साथ टिश्यू मैच कर जाए तो उसका लगाया जाता है, या फिर जो डोनर है उसका 100% तो नहीं हम कह सकते बट मैक्सिमम जो है वो टिश्यू मैचिंग हो जाए तो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, बॉडी के अंदर जो किडनी है वो लगाया जाता है। अगर जो बॉडी है वो टिश्यू मैचिंग के बाद भी किडनी को एक्सेप्ट ना करे तो फिर भी तकरीबन 10-15 ईयर्स के अंदर जो आपने किडनी लगाया है ड्यू टू टिश्यू रिजेक्शन की वजह से, आप क्या करते हैं, टिश्यू रिजेक्शन की वजह से जो ब्लड बॉडी के अंदर किडनी आप लगाते हैं वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, बॉडी समझती है जैसे एंटीजन आ गया है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स किडनी प्रॉब्लम एंड देयर क्योर्स। इंशाल्लाह कल हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा थर्मोरेगुलेशन। थैंक यू।